हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुमंत्र। माई सेल्फ योगिता। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विथ एक्सरसाइज 4.2। ना ये जो एक्सरसाइज 4.2 है, ये पूरी बेस्ड है ऑन योर मेथड फैक्टराइजेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। नाउ फर्स्ट वाला जो हमें दिया है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ पहली चीज जो हमें देखनी है, वो देखनी है कि हमें फैक्टर्स किसके निकालने हैं, इस b के। अब ये b के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो a इंटू सी होना चाहिए। रिमेंबर मैंने बताया था, bx should be equals to b1x प्लस b2x एंड b1 इंटू b2 जो है वो a इंटू सी होना चाहिए। अब a यहाँ पे क्या है, 1, c क्या है, माइनस 10। दैट मीन्स हमें 10 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। पहले 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 एंड 2। अब 5 और 2 है, उसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 3, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 10। नाउ माइनस 10 है, दैट मीन्स दोनों में से एक नंबर क्या होने वाला है, माइनस। एंड यहाँ पे माइनस 3 चाहिए, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है वो क्या होना चाहिए, माइनस। दैट मीन्स जो फैक्टर्स है वो हो जाएंगे माइनस 5x एंड प्लस 2x। सो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। हमने ऐसे फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 2। यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस 5 कॉमन है। सो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, 5 टू ज़ा 10 होता है, ओके। अब इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2, सो x प्लस 2 को कॉमन ले लिया एंड हमारे पास अब क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके हिसाब से हम इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं, एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x क्या हो जाएगा, इस 2 को इस तरफ लिया तो हो जाएगा माइनस 2, और इसके हिसाब से हो जाएगा, इस माइनस 5 को इधर लिया तो हो जाएगा प्लस 5। सो इसके जो दो रूट्स है इस इक्वेशन के, वो हो सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 2 या फिर x इक्वल्स टू 5। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इस केस में a जो है वो 1 नहीं है, a जो है वहां पे वो 2 है, b 1 है एंड c माइनस 6 है। अब a इंटू सी कितना आ जाता है, 2 इंटू 6 दैट इज 12, दैट मीन्स माइनस 12। अब माइनस 12 अगर हमें चाहिए तो हमारे फैक्टर्स कौन से होते हैं 12 के, 12 के होते हैं 4 एंड 3 जो कि हमें एडिशन पे 1 देंगे, राइट। नाउ इन दोनों में से एक नंबर माइनस होना चाहिए तभी वो माइनस 12 आएगा। अब यहाँ पे एडिशन करने पे हमें प्लस मार्क चाहिए, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है दैट शुड बी प्लस एंड जो छोटा है दैट शुड बी माइनस। सो माइनस 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्लस 4 एंड माइनस 3। सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे से इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाता है, 2x कॉमन है। सो 2x अगर मैंने लिया, यहाँ पे सिर्फ एक और x बचा, प्लस 2 2 ज़ा 4, x तो कॉमन है इसलिए बचा ब्रैकेट में x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन है माइनस 3, दैट मीन्स ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 अगेन इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो जाता है एंड 3 2 ज़ा 6। नाउ इन दोनों में से कॉमन है x प्लस 2, सो x प्लस 2 हमने बाहर ले लिया। अब हमें अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ हमें पता है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। सो जीरोस कैसे हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को इस तरफ लिया तो माइनस 2, सो एक रूट या फिर जीरो उसका हो गया x इक्वल्स टू माइनस 2। एंड दूसरे वाले के लिए, पहले माइनस 3 को इधर लिया सो वो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, माइनस 3 है तो वो हो जाएगा प्लस 3। 2 को इधर लिया, 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड।
सो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3/2. सो ये हो गया हमारा सेकेंड रूट या फिर सेकेंड जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ जो नेक्स्ट है आपका थर्ड इक्वेशन, दैट इज रूट के फॉर्म में है. ओके, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. सो जब रूट के फॉर्म में है तब अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, a इंटू सी कितना हो जाता है, a इज रूट 2, c इज 5√2. ना 5√2 इंटू रूट 2 मतलब क्या हो गया, 5 × 2, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है. सो 5 × 2 = 10. अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे हमें क्या मिले, 7. अब 10 है, दोनों प्लस है, दैट मीन्स प्लस 10 ही है. प्लस 10 के ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको ऐड करने पे आपको 7 मिलेगा. 5 × 2 = 10 होता है एंड 5 + 2 = 7 होता है. दैट मीन्स आप क्या करेंगे, इसको दो फैक्टर्स हमें मिल गए, 5x और 2x. सो हो जाएगा √2x² + 2x + 5x. अब मैं पहले 2 बाद में 5 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 2√2 में कुछ कॉमन आ सकता है. आप चाहिए तो पहले 5x भी पहले लिख सकते हैं, द आंसर्स विल बी सेम, दैट डजंट मैटर. सो √2 = 0. नाउ इन दोनों में से √2x कॉमन है, सो यहाँ पे मैंने ले लिया √2x कॉमन, ब्रैकेट में इधर बचा x एंड यहाँ से क्या बचेगा, √2. वाई, क्योंकि √2 × √2 = 2. अब इन दोनों में से कॉमन है 5, ब्रैकेट में क्या बचा x एंड इसमें से बचा +√2 = 0. नाउ इन दोनों में से ये दोनों कॉमन है, सो x + √2 को हमने ले लिया, अंदर क्या बचा, √2x + 5 = 0. अब हमारे दो डिफरेंट जीरोज हमें मिल जाएंगे, इट विल बी x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0. नाउ अगेन +√2 है, इस तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x = −√2. सो या तो x − √2 हो सकता है या फिर √2x = −5 हो जाएगा. +5 इस तरफ लिया तो −5, सो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ गया तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो हो गया −5/√2. सो दो जो वैल्यूज है x की फॉर दिस इज −√2 और −5/√2. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो है 2x² − x + 1/8 = 0. अब जब भी अपॉन के फॉर्म में है पहले हम क्या करेंगे, इन सब का डिनोमिनेटर सेम, सो सब में मुझे इंटू 8 करना पड़ेगा. सो 8 × 16x² − 8x + 1 = 0 हो जाएगा. यहाँ पे जो 8 है उसको अगर इक्वल्स टू के इस तरफ ले लिया वो बेसिकली 0 हो जाएगा. नाउ हमें किसका फैक्टर देखना है, 16 × 1 = 16. अब इसके ऐसा फैक्टर देखना है जिससे मुझे मिले −8. नाउ 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 × 8 = 16, राइट, देन 4 × 4 = 16. नाउ जब हम देख रहे हैं हमें ये चाहिए +16, लेकिन बीच में क्या है, −8x है. दैट मीन्स जो दोनों नंबर हमें लेने हैं वो दोनों माइनस होना चाहिए एंड दोनों को ऐड करके ही हमें −8 मिलेगा, राइट. अगर मैं −4 और −4 ले रही हूँ, सो −4 × −4 = 16 एंड −4 × −4 + −4 = −8. सो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, −4x − 4x + 1 = 0. अब इन दोनों में से 4x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 4x − 1 एंड यहाँ से भी हम −4x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, सॉरी −1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 4x − 1 = 0. नाउ इन दोनों में से 4x − 1 इज कॉमन, सो 4x − 1 कॉमन. अब इधर बचा क्या है, 4x − 1 = 0. दैट मीन्स 4x − 1 = 0 या फिर 4x − 1 = 0. सो x = 1, 4x = 1 हो जाएगा, दोनों केस में वही होने वाला है, 4x = 1, देन x = 1/4. सो बेसिकली इसका जो x का वैल्यू है इट इज़
1 upon 4. Now, the next hai, that is the last question of your question number 1. 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. Okay. So, it is 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. Now, isme 100 into 1 is 100. So, basically 100 ka mujhe dekhna hai. 100 ka kya hota hai? 50 into 2 is 100. Right? Then, aur different kaun se hai? 25 into 4 is 100. Ab, hume addition or subtraction pe kya aana chahiye? 20 aana chahiye. So, 10 into 10 is also 100. हमें plus 100 चाहिए and addition या subtraction करने पे minus 20. That means, दोनों number negative होने चाहिए. तभी हम उन दोनों को add करके minus 20 ला सकते हैं and दोनों जब negative होंगे, तब उसको multiply करके हमें plus 100 आएगा. So, अगर minus 10 into minus 10 में ले रही हूँ, that means, वो हो जाएगा plus 100 and minus 10 plus minus 10 क्या हो जाएगा? Minus 20. That means, हमारे factors क्या होंगे? 100x square minus 10x minus 10x plus 1 equals to 0. इन दोनों में से common है 10x. यहाँ बचा क्या? 10x minus 1. अब इसमें से मैं minus 1 common ले लेती हूँ. बचा क्या? 10x minus 1 equals to 0. Again, इन दोनों में से 10x minus 1 is common. So, 10x minus 1 common ले लिया. यहाँ बचा 10x minus 1 equals to 0. अब इसके दो different roots क्या आ सकते हैं? 10x minus 1 equals to 0 and 10x minus 1 equals to 0. That means, आपको दोनों में same answer आने वाला है. So, 10x equals to minus 1 इधर लिया, so plus 1. और 10x equals to 1 यहाँ पे भी आएगा. So, x will be equals to, यहाँ पे 10 multiply इधर आया तो divide हो गया. So, 1 upon 10. And similarly, यहाँ पे भी x equals to 1 upon 10. So, basically, इस वाले के लिए x का value is 1 upon 10. अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स वो सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182. दैट मींस अगर मैंने एक नंबर को x लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x. क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए? 27. सो अगर 27 माइनस x मैं कर रही हूँ तो मुझे अदर नंबर मिल जाएगा, राइट? सो लेट द लेट वन नंबर बी x. So, therefore, other number will be equal to 27 minus x. अब condition क्या दी है? कि दोनों का product क्या होना चाहिए? 182. That means, by the given condition, x into 27 minus x equals to 182 होना चाहिए. Right? अब इसको solve करने के लिए पहले x को मुझे multiply करना होगा. So, यह जाएगा 27x minus x into 6 x square equals to 182. अब इस पूरे टर्म को मैं इक्वल टू के इस तरफ ले रही हूँ. जगह x square minus 27x. x square minus था इसलिए प्लस हो गया. 27x प्लस है तो वो माइनस हो गया. प्लस 182 equals to 0. अब यहाँ पे 1 है. 182. 1 into 182 is 182. That means मुझे 182 के फैक्टर्स निकालने हैं पहले. तो ये हो जाएगा 182 का फैक्टर 2 के टेबल में आता है. 91 जा. This comes in 3's table, sorry, 13's table, 7's are 7, 1's are 7. That means, अब इनको ऐसे multiply करना है कि मुझे 27 आना चाहिए. अब दोनों number negative होंगे, तभी हमें answer positive आएगा. And दोनों number जब negative होंगे, तभी हम add करके उसको minus 27 बना सकते हैं, right? So, 7, 2's are 14. और minus 14 and minus 13, अगर मैं अपने factors ले रही हूँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 182 एंड दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 27. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से x कॉमन है सो अंदर बचेगा x माइनस 13. इन दोनों में से 14 कॉमन है माइनस 14 सो अंदर बचेगा x माइनस 13. माइनस भा लिया इसलिए प्लस नेगेटिव हो गया equals to 0. इन दोनों में से x minus 13 common है. अब हमारे पास बचा क्या? x minus 14 equals to 0. So, x equals to x minus 13 equals to 0 और x minus 14 equals to 0 हो सकता है.
सो एक्स इक्वल्स टू 13 हो सकता है या फिर एक्स इक्वल्स टू 14 हो सकता है. ओके, नाउ जब एक्स इक्वल्स टू 13 है सो अदर साइड अदर नंबर सॉरी विल बी इक्वल्स टू 27 माइनस 13 दैट इज 14 एंड एक्स जब 14 है सो अदर साइड अदर नंबर विल बी इक्वल्स टू 27 माइनस 14 दैट इज 13. सो बेसिकली आपके जो दो साइड्स है वो है 13 एंड 14. अब उसके बाद जो नेक्स्ट सम है ये है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस. फाइंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स. दैट मीन्स बाकी जो दो साइड है उसके बीच में हमें रिलेशन दिया है. क्या रिलेशन है? एल्टीट्यूड जो है इट इज 7 लेस दैन इट्स बेस. दैट मीन्स अगर मैं बेस को 7 एक्स ले रही हूँ सो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7, राइट? सो लेट द बेस बी एक्स. ओके, सो उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 7. अब हाइपोटेनस हमें पता है सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो बाय द गिवन कंडीशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, राइट? नाउ ये x स्क्वायर ही रहेगा. x माइनस 7 द होल स्क्वायर दैट मीन्स a माइनस b द होल स्क्वायर. a है x, b है 7. सो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर इज 169. सो इन दोनों का हो गया 2x स्क्वायर. 7 टू जा 14 सो माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू 169. अब इस 169 को इक्वल्स टू के इस तरफ लेंगे सो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. अब जब आप 49 एंड 169 को देखें दोनों का साइन डिफरेंट है दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. 169 माइनस 49 मुझे कितना देगा? 120. सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120. माइनस 120 क्यों? बिकॉज बड़े नंबर का साइन इज माइनस. अब मैं एक और चीज देख रही हूँ 2, 14, 120 सबके सब 2 के टेबल में जाते हैं. सो अगर मैंने इन सब को 2 से डिवाइड कर दिया सो मेरा कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगा. सो डिवाइडिंग बाय 2 सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14 दैट मीन्स 7x माइनस 120 डिवाइड बाय 2 इज 60 इक्वल्स टू 0. अब हमें माइनस 60 के फैक्टर्स चाहिए दैट मीन्स एक नंबर माइनस होना चाहिए एक नंबर प्लस होना चाहिए तभी हमें माइनस 60 मिलेगा एंड दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन शुड बी माइनस 7. अब 60 के फैक्टर्स है हम निकाल लेते हैं 60 के फैक्टर्स. 2s are 30s are 2 15 3 5 5 1. अगर मैंने फैक्टर्स लिए 15 into 4, ओके 15 into 4 इज 60 एंड 15 माइनस 4 अगर मैं लूंगी तो हो जाएगा 9. दैट मीन्स ये नहीं ले सकते हम. नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 3 2s are 12 सॉरी 3 टू जा 6 6 टू जा 12 सो 12 और 5 अगर मैंने लिया सो 12 5 इज़ 60 एंड 12 माइनस 5 इज 7. अब बड़ा नंबर शुड बी माइनस बिकॉज माइनस 12 एंड 5 जब आप लोगे तभी माइनस 7 मिलेगा. सो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन क्या? x. सो x प्लस 5 रह गया. इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन है सो x प्लस 5 रह गया इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है सो x प्लस 5 यहाँ क्या रह गया? x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. अब इसके दो पॉसिबिलिटीज है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो x क्या हो गया इसके हिसाब से? माइनस 5 एंड यहाँ पे हो गया 12.
अब क्या एक बेस नेगेटिव हो सकती है? नहीं. सो दैट इज द रीजन हम माइनस फाइव को इग्नोर करेंगे एंड एक्स इक्वल्स टू 12 लेंगे. क्यों ले रहे हैं? बिकॉज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव. बेस कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12. ओके. सो अगर एक्स 12 है दैट मीन्स बेस इज 12. सो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7. दैट मीन्स 12 माइनस 7. 12 माइनस 7 कितना होता है? 5. सो आपका एल्टीट्यूड इज 5 एंड योर बेस इज 12. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे. ओके. दैट मीन्स एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. नाउ पहली चीज मैंने आपको बताई हुई है, जो भी हमें पूछा होता है उसको हम एक्स लेते हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछा है एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट के बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है. दैट मीन्स हम क्या लेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स. ओके. अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है सो यहाँ पे क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर. दैट मीन्स 2x + 3, राइट. एंड यहां पे आपको एक और चीज दी हुई है. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट दिया है. अब टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलता है? कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. दैट मीन्स जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आना चाहिए? ₹90, राइट. सो बाय द गिवन कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है? एक्स इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90, राइट. अब हमें x को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा. x इंटू 2x इज 2x² प्लस x इंटू 3 इज 3x इक्वल्स टू 90 को इधर लेंगे सो माइनस हो जाएगा. सो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0. अब हमें देखना है कि 90 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 2 है. सो 90 इंटू 2 इज 180. अब 180 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 3 आए एंड मल्टीप्लीकेशन करने पे -180 आए, बिकॉज यहाँ पे माइनस है. सो देखते हैं हम लोग 180 के फैक्टर्स क्या क्या है. 2s are 90s are again 2s are 45 5 9s are 3 3 and 3 1. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स. अब हमें देखना है कि कौन से फैक्टर्स से हमें +3 आएगा. सो अगर मैं ले रही हूँ 5 3s are 15, सो 15 एक फैक्टर लिया. 3 2s are 6, 6 2s are 12 लिया. दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 15 - 12 is 3 एंड 15 × 12 is 90. -90 है दैट मीन्स एक नंबर माइनस होना चाहिए एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस आना चाहिए. दैट मीन्स बड़ा नंबर प्लस एंड छोटा नंबर क्या होना चाहिए? माइनस. सो ये हो जाएगा 2x² -12x + 15x - 90 = 0. इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2x. इधर बचा x माइनस 2 6 12. सो -6 + 15 जब मैं कॉमन ले रही हूँ तो अंदर मुझे कॉमन क्या बचेगा? x माइनस 6 = 0. 15 6 90. इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन है सो x माइनस 6 बाहर ले लिया. अंदर क्या बचा? 2x + 15 = 0. सो x माइनस 6 = 0 हो सकता है या फिर 2x + 15 = 0 हो सकता है. सो x माइनस 6 इधर गया, +6, या तो x
6 हो सकता है या फिर x इक्वल्स टू माइनस 15 हो गया, प्लस 15 इस तरफ गया, सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ लिया, सो माइनस 15 अपॉन 2। अब क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको फ्रैक्शंस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप कितने लोगे? 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके हो जाएंगे 6। सो देयरफॉर आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? इट इज 2x प्लस 3। दैट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 टू जा 12, 12 प्लस 3 15। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रुपीज 15। एंड इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू।